बल्लारपुर स्थित ऐतिहासिक किले का सफाई अभियान स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शुरू किया गया। इस अभियान के जरिए किले की सफाई की गई। इस अभियान का समारोपीय कार्यक्रम किले के मैदान में 10 अक्टूबर संत टुकड़ोजी महाराज जयंती उपलक्ष्य पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के शुरुआत में संत टुकड़ोजी महाराज के प्रतिमा को अतिथियों ने माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इस स्वच्छता अभियान में बल्लारपुर नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था, विद्यार्थी, नागरिक आदि ने सहयोग दिया। पूरे 26 दिन ये अभियान चलाया गया। लोगों ने मेरा किला मेरा शहर समझकर किले के सफाई अभियान में सहयोग दिया। लोक सहभाग से ही कोई भी कार्य अच्छे से पूरा होता है, ऐसी भावनाएं बल्लारपुर नगर अध्यक्ष हरीश शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान व्यक्त की तथा लोगों के सहभाग के लिए सभी के आभार माने। इस अवसर पर किला स्वच्छता अभियान में सहभागी लोगों का प्रशस्ति पत्र देकर सत्कार किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि वन विकास महामंडल के अध्यक्ष चंदन सिंह चंदेल, बल्लारपुर नगर परिषद उपाध्यक्ष मीना चौधरी, भारतीय पुरातत्व विभाग वरिष्ठ संरक्षक सहायक प्रशांत शिंदे, सभापति महेंद्र ढोके, सभापति भावना गेडाम, सभापति राकेश यादव, सभापति जयश्री मोहुल्ले, सभापति सुवर्ण भट्टारकर, नगर सेवक स्वामी रायवरम, नगर सेवक अरुण वाघमारे, नगर सेवक एडवोकेट पवन मेश्राम, नगर सेवक नरसैया एनगनलावार आदि उपस्थित थे। 2001-2002 मध्ये की त्यांनी संत गाडगे बाबा अभियान आणि राष्ट्रसंत वरिष्ठ संरक्षक सहायक भारती भावना गेडाम यांच्या स्वागताकरता त्यांनी सौदागर जिल्हा आमंत्रित करतो की त्यांनी भावना गेडाम मॅडमचं पुस्तक देऊन स्वागत करावं अशी त्यांना विनंती आणि आज पण त्यांनी पाण्याची सेवा दिलेली आहे। मुस्कान बचत गट थांबा खाली 2 मिनिट। जगन्नाथ संयोजिका सखी मंच टीम बल्लारपुर के अनेक स्वयंसेवी संगठनों जिनके अगर मैं नाम का यहाँ पर उल्लेख करूंगा तो मुझे काफी समय लगेगा और बहुत कड़क तेज धूप है, आप सबको भी अड़चन होगी, लेकिन 26 दिनों की यात्रा के अंदर में हमारे सभी स्वयंसेवी संगठनों ने मिलकर, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर के 7 तारीख को, 7 नवंबर को जब हम इस किला परिसर के अंदर में पहुंचे थे तो इस किला परिसर की जो स्थिति थी झाड़ियों जंगलों के कारण एक जंगल का स्वरूप उसको था, लेकिन आज आप एक सुंदर स्वरूप के अंदर में इस ऐतिहासिक धरोहर को, विरासत को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर उपस्थित ये जो सभी लोग हैं, जो सभी संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, इसका सारा का सारा श्रेय आप सभी को देता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई करता हूँ। मित्रों, निश्चित तौर पर अनेक लोगों ने, अगर संस्था के नाम मैं लूं तो बहुत सारी संस्थाएं, अगर व्यक्तिगत नाम लूंगा तो एक बहुत लंबी चौड़ी यादी होगी, लेकिन सभी ने दिल के साथ में ये मेरा किला है, ये मेरा शहर है समझकर इस अभियान के अंदर में हिस्सा लिया। अनेक संस्थाओं ने, पीछे में आपके श्रीराम बालक अखाड़ा के लोग खड़े हैं, पूरे 26 के 26 दिन उन्होंने सहभाग लिया इसके अंदर में, छोटी छोटी बच्चियां, और खतरा था कहीं पर क्या बोलते झाड़ियों के माध्यम से 2-3 अलग अलग विषैले नॉन विषैले सांप भी पकड़े, खतरा था, जहरीले मच्छर थे, इन सबके बावजूद छोटे छोटे बच्चों ने यहां पर दिन रात योगदान दिया। मैं हमेशा अपने संबोधनों के अंदर में कहते आता हूं कि सरकारी जो एजेंसियां हैं, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, वो अपना काम कर रही हैं, उनके कर्मचारी निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं,
लेकिन लोक सहभाग के बिना क्या बोलते, कोई भी काम को अंजाम तक पहुंचाना मुश्किल काम है। इसीलिए किला सफाई के अभियान के अंदर में सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ जो लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, जो जनता ने ताकत दिखाई, जो स्वयंसेवी संस्थाओं ने दिखाई ताकत दिखाई, उसके कारण इतना सुंदर स्वरूप हमारे सामने उभर करके आया है मित्र। कि बल्लारपुर के जो किला का सौंदर्यकरण और स्वच्छता, जो साफ सफाई इन्होंने की है, आज भी इतनी धूप के अंदर में हमारी सब बहनें यहाँ पर बिल्कुल बैठी हुई है, इनके लिए मैं इनका फिर से अभिनंदन करना चाहूँगा। और इस अभियान के अंदर में राष्ट्रीय अभियान है, जैसे मोदी जी ने कहा है कि 3 साल 2 साल पूर्व अपने देश के अंदर में स्वच्छता अभियान का जो उन्होंने एक देश के लिए पर्व स्थापित किया, और उसका परिणाम ये देश के अंदर हो रहा है कि आप देखने को मिल रहा है कि आप पहले 1 साल 1.5 साल पहले आप रोज पेपरों में पढ़ते थे कि दिल्ली के अंदर, बम्बई के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, कलकत्ता के अंदर ये बीमारी फैल रही, वो बीमारी फैल रही, उसमें कहीं अंकुश आया है। आप देख रहे हैं कि अपने जिले के अंदर में एक देहात ऐसा है जहां पर वहां के लोगों ने कहा कि 80-90% हमारे गाँव के अंदर से बीमारी दूर हो गई है। तो स्वच्छता अभियान के साथ में हम लोग जो इसका एक कार्यक्रम देते हैं उसमें बीमारी भी इससे दूर भागती है। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर कार्यक्रम।